पोहरी अनुभाग के चर्च में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां रविवार को चर्च हिनौतिया गांव के समीप सड़क के बीचों बीच 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन का बिजली का खंभा टूटकर गिर जाने से सड़क पर यातायात बाधित हो गया और चर्च में बिजली सबस्टेशन के पास घटिया काम के चलते कई खंभे पहली बारिश में धराशायी हो गए। सड़क पर हाई वोल्टेज लाइन का खंभा गिरने की बात गनीमत रही कि लोग उस वक्त सड़क पर नहीं थे, अन्यथा अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। आपको बता दें कि पोहरी विधानसभा क्षेत्र के चर्च में कुछ समय पहले ही बिजली सबस्टेशन बनकर तैयार हुआ है, नई बिजली लाइन डाली गई है, लेकिन बिजली कंपनियों के ठेकेदार के द्वारा खंभे लगाने के लिए ना तो गहराई के गड्ढे खोदे गए, आधार भी सीमेंट कंक्रीट का ना होकर मिट्टी और बोल्डर से भरे गए हैं। इस लापरवाही के कारण नई बिजली लाइन के पोल पहली ही बारिश में धराशायी हो गए और कई जगह खंभे झुक गए हैं और बिजली कंपनी के ठेकेदार के घटिया काम को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।